सो हेलो बच्चों, मैं इमरान साहब स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में एक और छोटे से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास वहाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से होने वाला है, जैसे कि चैप्टर 8 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि टर्म 2 के एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगे। सो देखते क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व का जो कर्व कुछ बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ एरिया बाउंड कर रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है जो भी रीजन हमारे पास बाउंड करने वाला है। सो कर्व हमारे पास है क्या, बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और हमें बहुत अच्छे से पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x किसकी इक्वेशन हुई हमारे पास, पैराबोलिक इक्वेशन हुई। सो पैराबोलिक इक्वेशन को कैसे हम इसे पहले ना सबसे पहले कर्व बना लेते हैं। होगा कैसे, नॉर्मल हमारे पास एक्सिस आ जाते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस डैश वाई y डैश कैसे बनता है, बहुत अच्छी सारी ट्रिक भी बताई थी 11th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा भी हमने पैराबोला। y स्क्वायर है ना, सो ऑब्वियस सी बात है कहां पर बनने वाला है, x एक्सिस पे। सो ठीक है, पहले तो हमने पैराबोला बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास x एक्सिस पे 0 1 2 कहीं ना कहीं 2 भी होता है, सो ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है, ये भी बना ले, ध्यान रखना यहां पे 2 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, कॉमा एक और चीज दी है, x इक्वल टू 4, x इक्वल 4 कहां होगा, अप्रोक्स यहां पर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें एरिया फाइंड करना है, ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड नहीं करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इससे पहले को हम अच्छे से ना थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ट्रेस कर लेते हैं, जिससे ये रहेगा कि इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, एरिया कैसे निकालते हैं। इसकी अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, मैंने बेसिक वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो, बोल सकते हैं टर्म 2 के लिए बहुत सारी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया इंटीग्रेशन की पूरी मैथ्स में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से प्रोवाइड आप मतलब वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, स्क्वायर चेंज इनटू स्क्वायर रूट, तो 3√x आ जाएगी। सो एरिया कैसे निकालते हैं, ए इक्वल टू एक्स एक्सिस पे ना तो वाई डीएक्स, सो डीएक्स ना, सो मतलब एक्स की लिमिट रखेंगे, एक्स इक्वल टू 2 से लेके कहां तक का एरिया बाउंड है, एक्स इक्वल टू 4 तक, ठीक है, 2 से लेके 4 तक का एरिया बाउंड है। और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये लिखी है 3√x डीएक्स, लिमिट मेरे पास 2 टू 4। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहां पर, क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन में 3/2 आ जाएगा, ये हम 3 ऐसे रहने देते हैं, 3 को सेम लिखो, ऊपर आकर 2/3 हो जाएगा। हमारे पास लिमिट कितनी है, 2 और 4, पहले अपर लिमिट रखेंगे 4, अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, लिमिट भी रख दिया हमने, ये हमारे पास क्या है 3 से 3 कैंसिल, 2 रिमेन, 4 का पहले ना 1/2 सॉल्व करेंगे ना, तो 4 का रूट आता है 2 और 2 का क्यूब आता है 8। सेम यहां पर अगर हम पहले 2 की पावर 3 देखते हैं तो क्या है हमारे पास, 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 का रूट 2√2 आएगा, इसे ऐसे रहने देते हैं, ये हमारे पास आ गया, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा 16 − 4√2, और ये एरिया है तो यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास यूनिट होने वाली है। होप से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में बोल सकते हैं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के क्वेश्चन आपको पसंद आते वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप।